منكم करोति वाच ललम पंघुमलम यते गिरिम यत्कृपा त्वमहं वंदे परमानन्दमाधवम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय विधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। विश्वानि देव शवितर दुरितानि पराशुवः यद्भद्रं तन्याशुवयो शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चरण्या
कविता मुकुरा नवरस मथुरा कविता मुकुरा स्मृति रुचि रुचि का भरना जय जय हे भगवती सुर भारती सब चरणों हर जगत गुरु बोधि विकास स्थिति पंकज अनुभव ले जय जय हे भगवती सुर भारती रव चरण पण पम ग पम ग पम ग हरे सगर सगर पम ग पम ग पम ग हरे सगर सगर ललित कलामणि ज्ञान विभामणि बिना पुस्तक धरणी मदिरा संभो तब पद कमले मदिरा संभो तब पद कमले हई कुंता विस्मरणे जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरण भगवती सुन भारती तब चरण तब चरण तब चरण प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तों के हृदय में विद्यमान भगवान श्री द्वारिकाधीश इस जगत के स्वामी प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री बद्र विशाल की कृपा से धर्मधरा भूधरा यह भारतवर्ष की पावन धरा और इस धरा की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में स्थित करावल नगर पर यूं तो विभिन्न विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से भागवत कथा होती है लेकिन मेरी दूसरी भागवत की यह कथा गत वर्ष भी भागवत की कथा हुई थी और वो बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व विश्राम हुई थी। इस बार की भागवत कथा बसंत पंचमी के एक दिन बाद से आरंभ हो रही है। कथा आयोजन में लगे हुए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे
जिन लोगों ने अगले बार ही विचार बनाया था कि पुनः स्वामी जी की कथा होनी चाहिए दिल्ली में, तभी मन बन गया था जनवरी में कथा होगी, लेकिन जनवरी में कुंभ में रहने की वजह से मैंने कहा कथा फरवरी में होगी। और यह कथा बस आज ही प्रातः काल प्रयागराज त्रिवेणी से स्नान करके हम लोग पहुंचे यहाँ। लगभग एक महीने का प्रवास, एक महीने का कल्पवास त्रिवेणी में किया, जहाँ भगवान हनुमान जी विश्राम अवस्था पे लेटे हनुमान जी हैं, वहाँ हम लोग एक महीने विश्राम करते हैं। कुंभ के महीने पर यूँ तो अर्ध कुंभ था, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण कुंभ बना दिया उसे, व्यवस्थाओं सुव्यवस्थाओं के माध्यम से। और आपकी यह कथा मैं पूरे आयोजन कमेटी के सदस्य भाई मनीष जी, दीपक जी, अमित जी और जितने भी सदस्य हैं, उन सबों के विशेष प्रयास से यह कथा हो रही है। इस कथा में श्रवण के लिए उपस्थित आप श्रद्धालु जो आ गए हैं, जो आने वाले हैं या जो दो चार दिन में आएंगे, वास्तविक श्रोता तो वह है जो कथा के आरंभ से कथा को श्रवण करे, प्रथम दिन से आए। और चूंकि दिल्ली व्यापार शहर है और लोगों को फुर्सत थोड़ी सी कम है, व्यस्ततम शहर है दिल्ली। जब पहली बार मेरी कथा हुई थी तो मुझे अभी भी ध्यान है, उस विद्यालय में जब पहली बार मैं बैठा कथा करने को लेकर, तो सामने ऐसे 5-7 लोग बैठे, वो मेरी पहली कथा थी जिसमें 5-7 लोग कथा सुनने के लिए बैठे थे। नहीं तो हमेशा कथाओं के प्रथम दिन 800-1000 लोगों की संख्या होती है। क्योंकि ज्यादातर कथा बिहार, झारखंड और नेपाल प्रांत पर होती है, इधर कम आता हूं। तो जब पहली बार मैंने देखा तो मैंने सोचा, फिर विचार आया, नहीं ये तो शहर है और शहर के लोगों में भक्ति थोड़ी लेट से आती है, जैसे शहर के लोग उठते भी थोड़ा लेट है, जगते भी लेट है, और जब जाग जाते हैं तो सोते भी लेट है। आप सब श्रद्धालु जो कथा श्रवण के लिए उपस्थित हैं, जो अनुपस्थित हैं, आएंगे, हमारे सारे साजराज वाले भाई, आचार्य, पुरोहित, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी, आप सबों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। कथा का आरंभ हम करें, उससे पूर्व यूं तो कथा का समय 2:30 बजे से 5:30 बजे तक ही रहेगा। 2 बजे से कथा के लिए हमारे भाई संगीत इत्यादि बजाएंगे, 2:30 बजे मैं आ जाऊंगा और ठीक 5:30 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। चूंकि इसके पीछे का मेरा एक स्वार्थ भी है, क्योंकि मैं 6 बजे के पश्चात भोजन नहीं लेता हूं, तो 5:30 बजे जब मेरी कथा विश्राम होगी तो भोजन करूंगा, और श्रोता लेट से आएंगे और मेरी कथा लेट खत्म होगी तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, आदत हो रखी कई दिनों तक शाम में भोजन ही नहीं मिलता है, तो लेट यदि कराओगे तो उस दिन का भोजन छूटेगा, इसलिए कथा 5:30 बजे तक ही होगी। नित्य 5:20-25 मिनट में कथा विश्राम में कर दूंगा,
और फिर आरती और फिर आप सब प्रस्थान करना। भागवत सप्ताह होता है और वास्तविकता देखी जाए कथा की तो भागवत की कथा 8 दिवसीय होती है, 7 दिन की कथा नहीं होती, कथा 8 दिन की होती है। क्योंकि प्रथम दिन कथा के महात्मा की कथा चलती है और उसके पश्चात प्रथम स्कंध से कथा व्यवस्थित आरंभ होती है, लेकिन श्रोताओं को 7 दिन का भी समय कहाँ रहता है। वक्ता भी आजकल इमरजेंसी पीरियड पर है, एक के बाद एक लगातार कथाएं चले जा रही। मेरी भी यही स्थिति है, यूं तो इसके बाद की कथा स्थगित कर दी गई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य कुंभ से थोड़ा बिगड़ गया, एकादशी के दिवस से स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो आगे की कथा फिर स्थगित कर दी, 7 दिन का गैप कर दिया। उसके बाद अभी है और लगातार नॉन स्टॉप मई जून तक की कथाएं चलेंगी। अभी मई शायद 10 जून तक की कथाएं बुक है और फिर जुलाई अगस्त में बरसात में कथाएं मैं नहीं करता हूं, वो 2-3 महीने तीर्थाटन के लिए, चातुर्मास के समय के लिए, 4 महीने तो नहीं लेकिन 1-2 महीने विश्राम करता हूं और फिर कथाएं शुरू होती। तो आज केवल महात्मा की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व कथा आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, बहुत बड़े विद्वानों से सुनी होगी और मैं भी सुनाऊंगा, कोई नई कथा तो सुनाऊंगा नहीं। जो व्यास जी ने लिख दिया, जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना दिया और जो अन्य वक्ता सुनाते आ रहे हैं वही मैं सुनाऊंगा, लेकिन जो कथा का मूल सिद्धांत है उसे हमें समझना पड़ेगा, ज्यादा प्रकाश मेरा वहां रहेगा। मैं बहुत ज्यादा संस्कृत भी नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा भजन भी नहीं गाऊंगा। बहुत लोगों का आग्रह यही होता है कि भजन अधिक हो। तो बहुत ज्यादा भजन आदि भी नहीं होंगे, कथा सुनना है। रामायण की एक चौपाई से आज की कथा को आरंभ करते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट प्रकट मुही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तुलसीदास जी की चौपाई को इसलिए लिया सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। शायद ये चौपाई बालकांड में आती है, आए और इस धरा की समस्याओं को समाप्त करें। तो भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान शिव के पास भेजा और भगवान शिव ने कहा कि भगवान सर्वत्र है, हरि व्यापक प्रेम से प्रकट।
नाटक हो ही गए। भगवान सर्वत्र है और प्रेम से भगवान का प्राकट्य होता है। यह कथा प्रेम से आपको श्रवण करना है और तुलसीदास जी एक और सुंदर सी चौपाई लिखते हैं जिस विधि से आपको कथा को श्रवण करना है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 मोहे पट चल छीत धवावा, मोहे पट चल छीत धवावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मन निर्मल हो, मन पवित्र हो। आज की कथा का महात्मा है और महात्मा की कथा सबको पता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथाएं लगभग यह कथाएं आप लोगों को पता है। कई बार आप लोगों ने भागवत की कथा सुनी होगी, लेकिन विषय यह है कि भागवत की कथा भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। क्यों? जिससे वह मुक्त हो जाए, मुक्ति के लिए यह कथा सुनाई। अच्छा, एक बात मैं पूछता हूं, भारत में 125 करोड़ की आबादी है जिसमें 80-90 करोड़ तो हिंदू हैं, और मुझे तो लगता है 80-90 करोड़ हिंदुओं में 40-50 करोड़ हिंदुओं ने भागवत की कथा तो जरूर सुनी होगी। सही बोल रहा हूं ना? और उसमें एक भी व्यक्ति जो कथा सुन के मुक्त हो गया हो, बताओ। धुंधकारी ने कथा सुनी, गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और सातवें दिन जैसे ही कथा की पूर्णाहुति हुई, भगवान के पार्षद आए और उन्हें लेकर के चले गए देवलोक, गोलोक चले गए, भगवान के धाम लेकर के चले गए। पिछली बार मैंने कथा की थी, एक भी तो धुंधकारी गया नहीं गोलोक धाम, वही चेहरे दिखाई दे रहे। और श्रोताओं की बात क्या करें, वक्ता मैं खुद ही हूं, पिछली बार मैं ही नहीं मुक्त हो पाया। कथा को श्रवण करने की विधि है निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छीत धवावा, मोहे कपट छल छीत धवावा, समाना हरि पाप
इसे मन में बैठा लो। भगवान सभी जगह है, हरि व्यापक और सर्वत्र समाना, और भगवान प्रेम से उत्पन्न है। भगवान मोह कपट छल छिद्र न भावा, भगवान प्रेम से प्रकट है। और भगवान जहां कपट है, छल है, राग है, द्वेष है, क्रोध है, वहां भगवान नहीं। और यह भागवत की कथा, मुक्त कितने होंगे मुझे तो नहीं पता। देखो मिथ्या नहीं बोलूंगा, चूंकि कथा श्रवण करने से मन अवश्य पवित्र होगा। मुक्त होना है तो निर्मल मन से कथा को सुनना पड़ेगा। मुक्ति इतनी आसान है क्या? मुक्ति के लिए तो युक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति। और भगवान कौन है? भगवान तो जो तीनों लोकों पर व्याप्त है, और भागवत ने लिखा है भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रये विनाशा श्रीकृष्णाय वयम् नमः। भगवान सत, चित्त और आनंद। ध्यान देकर कथा सुनो, क्योंकि कथा चुटकी बजाते पार हो जाएगी। कल तक लग रहा था कि कल से कथा शुरू होगी, अभी घंटे दो घंटे बाद लगेगा कि अब कल कथा होगी। अभी घंटे दो घंटे पहले आपको लग रहा था कि हमको कथा में जाना है, समय बीत जाएगा, पार होगा। मैं 15 वर्ष की उम्र से घर को छोड़ा था, और मेरा विचार था, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार मेरी कथा सुनी होगी उनको वो फोटो दिख रही होगी। अच्छा, कई तो आज सोच रहे होंगे, बोले फोटो तो दूसरी है और महात्मा जी तीसरे आ गए। पूज्य गुरुदेव भगवान ने तो कहा था कि वस्त्र को शुरुआत से ही परिवर्तित कर लो, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। इसलिए इच्छा नहीं थी कि वस्त्रों का सम्मान हो। हम जिस मार्ग पर हैं, जिस पथ पर हैं, जिस पथ के पथिक हैं, वह मार्ग पूर्ण पवित्र हो, क्योंकि हमारे पीछे परंपरा जुड़ी है। हमारे पीछे ऋषि परंपरा है, महर्षि परंपरा है, देव परंपरा है, और एक भी सन्यासी कुछ अशुभ करता है तो उसके पीछे देव परंपरा बदनामी होती है, देव परंपरा को कलंक लगता है, ऋषि परंपरा कलंकित होती है। तो पहले मैं सफेद वस्त्र पर था बहुत दिनों तक, इसलिए सफेद वस्त्र पर था कि यदि मन कहीं बिचला तो सफेद कपड़ा सिल भी जाएगा तो कुर्ता पैजामा बन जाएगा, और भगवा कपड़ा सिल भी दो तो बाबा ही दिखोगे। तो उस समय का विचार था, संकल्प था कि सन 2019 में मैं वस्त्र परिवर्तित करूंगा, तो इस बार के कुंभ में पूज्य गुरुदेव स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज, नाम सुना आप लोगों ने,
युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, जिनकी कथा प्रवचन संध्या 9:30 दिशा चैनल पर और सुबह 9:30 वैदिक चैनल पर आती है। पूज्य दीदी माँ साध्वी रितंबरा जी का नाम सुना होगा, उनके जो गुरुदेव हैं, दीदी माँ मेरी गुरु बहन है, उनके जो गुरुदेव हैं वो हमारे गुरुदेव हैं। युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज की कृपा प्रेरणा से हमने संन्यास ग्रहण किया और गुरुदेव यह बात को कहते हैं कि भगवान चैतन्य स्वरूप है, इसलिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। देखो केवल इसी श्लोक पर मैं जोर दूंगा, उसके बाद फिर कथा हम भक्ति ज्ञान वैराग्य में पहुंच जाएंगे। आज चुकी संक्षिप्त कथा होगी, केवल महात्मा की कथा। भगवान सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप और आनंद स्वरूप। भागवत की कथा के महात्मा का प्रथम शब्द सच्चिदानंद है। भागवत की कथा का प्रथम शब्द कृष्ण नहीं, भागवत की कथा का प्रथम शब्द राधा नहीं है, भागवत की कथा का प्रथम शब्द विष्णु नहीं है, अन्य कुछ नहीं है। उन्होंने कहा सत्य, तात्पर्य यह है कि भगवान सत्य स्वरूप है और सत्य एक ही है। अच्छा ये माइक दिख रहा है ना आप लोगों को, माइक सत्य है कि असत्य है? हाँ सत्य है, मैं दिख रहा हूं, दिख रहा हूं ना, जिसको नहीं दिखाई दे रहा हूं वो चश्मा टेस्ट करा लेगा। मैं सत्य हूं कि असत्य हूं? ये पांडाल दिख रहा है, ये पांडाल सत्य है कि असत्य है? लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं है? माइक की भी एक्सपायरी डेट है। मेरी भी एक्सपायरी डेट है। अभी डेट वो हमको तो पता नहीं है, पता हो फिर चिंता ही काहे की। आप लोगों को भी अपनी एक्सपायरी डेट नहीं हो पता होगी। हाँ लेकिन इस पांडाल की एक्सपायरी डेट पता है कि 7 दिन के बाद ये पांडाल गायब हो जाएगा और फिर यही वही कचड़ा का ढेर लग जाएगा। बहुत मेहनत हुआ इस स्थान को साफ करने में। आज बीच बीच में जब कथा हुई उसके बाद 3-4 बार आया दिल्ली, मतलब व्यस्ततम कार्य में कभी फ्लाइट वगैरह से आया, रुक गया, रात में रुका, एक दिन रुका, प्रस्थान कर गया, कई बार बीच बीच में आया गया, बहुत लंबे समय तो नहीं रुका, समय कम रहता है, इधर उधर भाग दौड़ होती। सत्य स्वरूप यह प्रकृति भी है, क्योंकि इस प्रकृति से यह देह है, इस प्रकृति से यह पांडाल है, इस प्रकृति से दिखने वाली व्यवस्थाएं हैं। भगवान के दो ही रूप तो हैं, एक निर्गुण निराकार जो भगवान नहीं दिखाई देता है, निराकार, मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या? लेकिन सुनाई दे रहा है, मैं बहुत हल्की भाषा में समझाऊंगा, ज्यादा विद्वानों की हम ज्यादा विद्वान भी नहीं है, हम छोटे मोटे आदमी और विद्वानों की कथा हम समझ सकते हैं, आप लोग कितना समझते हो वो भी मैं समझता हूं।
भगवान का एक रूप है निर्गुण निराकार, और भगवान का दूसरा स्वरूप है सगुण साकार, यानी जो दृश्यमान सत्ता है भगवान का वह सगुण रूप। ये पूरी प्रकृति भगवान की दृश्यमान सत्ता है, लेकिन यह दृश्यमान सत्ता अदृश्य सत्ता में विलीन हो जाती है। प्रलय आने के बाद यह दृश्यमान सत्ता अदृश्यमान सत्ता पर विलीन हो जाती, पहुंच जाती, मिट जाती है। यह देह पंच तत्व पर विलीन हो जाएगा। हम आप सब जो भी दिखाई दे रहा है वो नष्ट होने वाला है, लेकिन उसमें सत्य क्या है? सत्य वह है जिसके निकलते यह देह फिर देह नहीं शव बन जाता है। इस देह से कुछ चीज निकल जाती जिसके बाद इस देह को हम क्या बोलते हैं? शव। भगवान सत्य स्वरूप जो कभी नष्ट नहीं होता है, और नष्ट केवल एक ही नहीं होता है, जिसका कभी जन्म ही ना हुआ हो, जो जिसका आरंभ ही ना हुआ हो। अनंत कौन है जिसका प्रारंभ ना हो, जिसका आरंभ है, जिसका प्रारंभ है, जिसकी शुरुआत है, उसका अंत निश्चित है। अनंत नहीं है ये आकाश भी, अनंत नहीं है। हम बोल तो दें आकाश अनंत लगता है, ये ब्रह्मांड अनंत लगता है, लेकिन ये ब्रह्मांड भी, ये ब्रह्मांड तो किसी के अंदर समाया हुआ है। यह ब्रह्मांड भी तो उस विराट के अंदर है। कई लोग कहते हैं ब्रह्मांड ब्रह्म का अंडा ब्रह्मांड भगवान द्वारा उत्पन्न किया गया है, गोल है, अंडाकार है, इसलिए भगवान का अंडा, इसलिए इसको ब्रह्मांड कह दिया। ब्रह्म अंड ब्रह्मांड। सत्य क्या है ध्यान दे के समझना। सत्य स्वरूप भगवान है जो कभी नष्ट नहीं होने वाले, जो कभी मिटने नहीं वाले, जो कभी समाप्त नहीं होने वाले। एक और बात, जो वर्तमान भूत और भविष्य तीनों ही काल में एक स्थिति पर रहे वो सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप, जो सर्वत्र विद्यमान हो, सभी जगह हो और हर जगह बराबर हो, वो चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा और आनंद स्वरूप। मतलब जिसका आनंद कभी समाप्त ना हो। हमारे अंदर का आनंद कभी जागता है और कभी खत्म होता है, होता है कि नहीं? बच्चा हुआ तो हम आनंद में हैं, हमारा पुत्र बीमार हुआ तो हम दुखी हो गए। हमारा आनंद कभी जगने वाला है, हमारा आनंद कभी मरने वाला है, लेकिन भगवान का आनंद वह है, आनंद स्वरूप परमात्मा वह है जिसका आनंद कभी समाप्त नहीं होने वाला है। सम हो, बराबर हो, एक जैसा हो, जो सर्वत्र हो, जो सत्य हो, जो चैतन्य हो, जो आनंद स्वरूप हो, उसी को मिला करके कहा गया सच्चिदानंद। और एक बात, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, हो सकता है हमको कोई ऐसी चीज कुछ पल के लिए दिखाई दे जो आनंद भी हो, जो सब जगह भी दिख रही हो, जो सत्य भी प्रतीत हो रही हो, लेकिन शर्त यह है कि उसका कर्म क्या है, उसका कार्य क्या है? विश्वोत्पत्या, विश्व की उत्पत्ति करना,
इस चराचर जगत को उत्पन्न करना, पालन करना, तापत्रे विनाशाय, इस सृष्टि को, हम सबों को, इस पूरी प्रकृति को उत्पन्न करना, पालन करना, और समय आने पर इस सृष्टि को, इस प्रकृति का विनाश कर देना, यह तीन कर्म जिसके हाथ में है वही सच्चिदानंद है, वही भगवान कृष्ण है। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भगवान सत्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप, नमिशरण क्षेत्र पर कई वर्षों तक चलने वाला यज्ञ कर्म चल रहा है। सनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ किया जाता है आत्म शांति के लिए, यज्ञ किया जाता है किसी शुभ की प्राप्ति के लिए, यज्ञ किया जाता है किसी कर्म के आरंभ के लिए, यज्ञ किया जाता है किसी कर्म की पूर्णाहुति के लिए, यज्ञ किया जाता है मंगल के लिए। ध्यान देना, और सन्यासियों को तो यज्ञ करना वर्जित किया गया है, शास्त्रों ने वर्जित किया है, सन्यासी यज्ञ नहीं करेंगे। क्यों? यूं तो कहा जाए तो सन्यासियों को कथा करने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, सत्य बता रहा हूं, उनको प्रवचन करने का अधिकार है, कथा तो ब्राह्मणों का अधिकार रखा गया, लेकिन अब हम भी लगे हुए इसी लाइन पे, क्या करें। इसमें मेरा कोई लोभ नहीं है, मैं तो कथा पूरी तरह से निशुल्क करता हूं, कोई भी कराए, कहीं भी कराए, हमारे साथ जो लोग रहते हैं उनकी दक्षिणा वो दे दें, बाकी मेरे तरफ से तो मैं अपने ही किराए भाड़े से आता हूं, अपने ही किराए भाड़े से जाता हूं, और हम अपनी व्यवस्था, हमको जो व्यवस्था सुलभ लगे उसी व्यवस्था से मैं आता हूं, उसी व्यवस्था से जाता हूं। हाँ, और मुझे मिलने वाले दान का एक भी रुपए का उपयोग मैं अपने ऊपर नहीं करता। एक विद्यालय चला रहा हूं, 70 बच्चे हैं, वहां भेज देता हूं। एक अनाथालय बच्चियां हैं, उसमें 35 बच्ची, वहां मासिक दान भेजता हूं, कई गौशालाओं में दान भेजता हूं। भगवान की कृपा रही, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा, तो अभी इस कुंभ में तो आपने मुझे अब ये भगवे वस्त्र में देखा, और फिर हरिद्वार के कुंभ में हमको आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में भी देखोगे। इसी बार बहुत जोर दे रखे थे कई लोगों ने, बोला महाराज जी आप आचार्य महामंडलेश्वर बन जाएं, हमने हाथ जोड़ लिया इस बार, बोले अभी नहीं, आचार्य महामंडलेश्वर जुड़ेंगे, अभी 5-7 लोगों को तो चला नहीं पा रहे, 10-15 लोगों को साथ लेके घूमना पड़ेगा, अभी तो हमारे पास 11 नंबर ही है, पैदल ही चलते हैं, साइकिल मिले तो उसमें बैठ जाओ, मोटरसाइकिल मिले तो उसमें बैठ जाओ, चार चक्का मिले तो उसमें बैठ जाओ, ट्रेन मिले तो उसमें बैठ जाओ, जनरल डब्बा हो तो उसमें बैठो, स्लीपर मिले तो उसमें बैठो, एसी मिले तो उसमें बैठो, फ्लाइट मिले तो भी बैठ जाते हैं, कई हमारे ऐसे यजमान हैं कि हेलीकॉप्टर भी भेज देते हैं, आइए महाराज जी, ऐसी व्यवस्था है। हम महामंडलेश्वर बन जाए तो गाड़ी घोड़ा रखना पड़ेगा, फिर गाड़ी घोड़ा देने वाले भी लोग हम लेते ही नहीं, हम बोले तेल कौन भराएगा, ये भी एक समस्या है, अपना खाने की तो व्यवस्था नहीं, 6 बज जाए उसके बाद खाना नहीं,
गाड़ी को कौन लिमिट से तेल डलवाएगा। खैर मैं एक बात बता रहा था, यज्ञ क्यों किया जाता है? यज्ञ संतुष्टि के लिए। यज्ञ किया जाता है कर्म के शुभ होने के बाद भी यज्ञ किया जाता है, और शौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं नैमिषारण्य क्षेत्र पर भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। आने वाले कलयुग, ये जो कलयुग है इसमें लोग संतुष्ट शांति, इसमें लोग दुख से मुक्ति, इसमें लोग भयमुक्त कैसे हों, इसमें लोग ईश्वर की प्राप्ति शीघ्रता से कैसे करें। मन में तो चिंतन यह है और यज्ञ कर रहे हैं, स्वाहा सुधा का उच्चारण कर रहे हैं, हजारों सालों तक चलने वाला यज्ञ, और बड़े बड़े विद्वान शौनकादि ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। और कहते उसी समय यज्ञ पर सूत जी का आगमन होता है, और सूत जी का आगमन होते ही उन लोगों ने सूत जी को प्रणाम किया। अज्ञान धवंत विद्वन कोटि सूर्य समप्रभ सूत ख्याति कथा शारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी को शौनकादि ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लग गए, हे सूत जी, आप हमारे अज्ञान को मिटाएं। आपका ज्ञान कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान, एक सूर्य के जागरण जागृत होते ही, एक सूर्य के आते ही इस पृथ्वी का अंधेरा समाप्त हो जाता है, लेकिन आपका ज्ञान इतना अधिक है कि एक नहीं करोड़ों सूर्य के समान। और आपका ज्ञान जहां निकल जाता है, आपका ज्ञान जहां बिखर जाता है, वहां अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। इसलिए आप हमको यह बताएं कि इस घोर कलयुग में, चराचर जगत में कलयुग जब आ जाएगा तो मोक्ष का साधन क्या है, मनुष्य की मुक्ति का साधन क्या है, मनुष्य मुक्त कैसे होगा। यज्ञ तो कई दिनों तक चलने वाला कर्म है और यज्ञ करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। यज्ञ कौन करेगा बैठ के, अग्नि के समक्ष कौन बैठेगा? आजकल तो माताएं भी चूल्हे के सामने नहीं बैठती, अब चूल्हे की बात छोड़ो, गैस के सामने भी नहीं बैठती, वो इंडक्शन क्या बोलते हैं, इंडक्शन आने लग गया, कोई चूल्हा का झमेला नहीं, कौन गैस जलाए। हमने तो ऐसे भी माताएं बहनों को देखा जिनको लाइटर जलाने नहीं आता है, वो लाइटर बोलते हैं, हाँ लाइटर, और वो जो बीड़ी पीने वाला होता है उसका, वो भी लाइटर। हमने सोचा शायद तो वो लाइटर नहीं, बीड़ी वाला नहीं, वो जो चिंगारी निकलता गैस वाला, कई हमने कहा, सच बता रहा हूं मिथ्या नहीं, कई माताओं को देखा, अब भगवान जाने दाल चावल रोटी सब्जी क्या बनाएंगे जिनको लाइटर चलाने ना आता हो। हाँ सिंगरौली मध्य प्रदेश की बात कर रहा, वहां गया तो ऐसी बातों बातों में तो बोले क्या करें महाराज जी, हमको तो लाइटर भी चलाने नहीं आता है, स्टाफ लगे हुए काम करने के लिए करते हैं। उन्होंने कुत्ता पाल रखा है और कुत्ते के लिए एक कर्मचारी रखा है, कुत्ते के लिए एक स्टाफ, कुत्ते का स्पेशल खाना बनता है, कुत्ते को स्पेशल खाना खिलाया जाता है, हाँ कुत्ते को टहलाया जाता है। ऐसे आप सबों को अनुभव ज्यादा होगा, दिल्ली वाले लोग लगभग कुत्ते ही पालते हैं,
आज कलश यात्रा में घूमा, इतनी गंदगी कोई साधु संत देख ले तो दोबारा दिल्ली आने की हिम्मत ही ना करे। गांव देहात में तो आदमी कहते कुत्ते की लेटरिन यदि पैरों से दाबी तो स्नान करो, यहाँ तो सुबह से शाम तक दाबते रहो कोई दिक्कत नहीं है। सच बोल रहा हूं ना, मैं हम तो कलश यात्रा के बाद जाके गंगा होगा जल पूरा के लिए, हमने अब क्या स्नान स्नान दोबारा कौन करे। कलयुग में लोगों के पास समय नहीं, कथा श्रवण का समय नहीं, यज्ञ कहां करेंगे, अपने नित्य कर्मों से ही उनको समय नहीं है। लेकिन जब ये बात कोई बोलता है ना, समय नहीं है, पूजा करने का समय नहीं है, तीर्थ यात्रा की बात हो तो बोलेंगे जब भगवान का बुलावा आएगा तब जाएंगे, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अच्छा बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम निकलता है कि नहीं निकलता है, तब तो दूसरे काम छूट जाएंगे। भूख लगे तो खाने के लिए टाइम निकल जाता है कि नहीं निकलता है। घर में शादी हो तो विवाह में बारात में नाचने के लिए टाइम निकलता है कि नहीं निकलता है। लेकिन भगवान के सामने हमको तीर्थ में जाने के लिए समय नहीं निकलता है, मजबूरी है। और यही प्रश्न शौनकादि ऋषि सूत जी से कर रहे हैं कि कलयुग में होगा क्या, कलयुग में मुक्ति का साधन क्या है, कलयुग में मोक्ष का साधन क्या है, कलयुग में मुक्ति कैसे होगी। और सूत जी कहने लग गए, काल प्याल मुख क्रास गिरे मनुष्य भी, ध्यान देना जीवित मनुष्य की बात नहीं की सूत जी ने, सूत जी ने कहा जो मनुष्य मृत्यु के मुख के भीतर घुस गया हो वह भी यदि भागवत की कथा को श्रवण कर लेगा तो वह भी मुक्त हो जाएगा। कालो कीरेन भाष्य श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत की कथा को श्रवण करते ही भागवत की कथा के प्रकाश से काल भी भाग जाएगा, दूर हो जाएगा। मैंने एक बात शुरुआत में इसीलिए कह दी थी, यहाँ कितने लोग मुक्त होंगे इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते, क्योंकि कथा मन की पवित्रता से सुनो तब तो मुक्त होगे। वो खैर मुक्ति कोई चाहता भी नहीं, हम लोग तो स्वर्ग चाहते हैं, सही बोल। और आजकल भागवत की कथा इसीलिए अधिक होती है, यजमान अधिक इसीलिए भागवत की कथा कराते हैं कि भागवत की कथा कथा में लिखा ही हुआ है कि भागवत श्रवण करने से, भागवत कराने से, भागवत कहने से मनुष्य तर जाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन हम लोग तो भगवान से प्रार्थना करते कि मरने के बाद स्वर्ग चले जाए। अब बोल दिया तो कई लोग मना कर देंगे, बोले नहीं हम तो मुक्ति चाहते। अच्छा यहाँ कितने लोग नरक में जाना चाहते हो, हाथ उठाओ, नरक में जाना चाहते हो। अच्छा मनीष जी की माता जी बोल रहे, और स्वर्ग में कितने लोग जाना चाहते हैं वो हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाओ जो स्वर्ग में जाना चाहता है, और जो इसी धरती में रहना चाहता है वो हाथ उठाओ। सबसे भागना चाहता है, एक बार ध्यान रखना यह कथा स्वर्ग नरक नहीं ले जाएंगे,
यह कथा इस सृष्टि में भी नहीं रखेगी, यह कथा मुक्ति के लिए है। आप कथा सुनोगे आपको आएगा, अजामिल का प्रसंग आएगा। मृत्यु के समय अजामिल ने नारायण नारायण कहा और नारायण कहने के बाद यमदूत यम के दूत जो आए थे ले जाने के लिए अजामिल को, उन्होंने छोड़ दिया, बच गए। कुछ समय कुछ काल और मिल गया। ये सूत्र वहां बताता है श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कालौ किरेण भाषा। भागवत शास्त्र यह ऐसा शास्त्र है जिसके श्रवण करने से, भगवान का चिंतन करने से काल भी भाग जाता है, दूर हो जाता है। पर यह शास्त्र आपको जीना सिखाएगा। हम जिए कैसे? मोक्ष के लिए। स्वर्ग में जाना उत्तम कर्म है। आप सब स्वर्ग में जाएं, ईश्वर की कृपा हो, आपको नरक की प्राप्ति ना हो, ऐसा तो मैं भी चाहता हूं। लेकिन मैं यह विशेष चाहता हूं कि आप सब मुक्त हो जाएं, मुक्तात्मा हो जाएं, बुद्धात्मा हो जाएं। आप सब परमानंद में विलीन हो जाएं। कथा का श्रवण इसलिए, कथा इसलिए सुनी जाए मुक्त होने के लिए। और स्वर्ग का देखो बुरा मत मानना, हम लोग जैसे होटल बुक करते हैं ना, होटल बुक कराया मान लो 7 दिन का, खूब बढ़िया वीआईपी 5 स्टार होटल, और होटल में जो 5 स्टार होटल होता है ना, ठीक है, उसमें कमरे में बैठे रहो और बेल बजाना, एक बाहर से आदमी आ जाएगा, जी सर क्या चाहिए सर, घुमा लेते हैं। अब सर जी बोलेंगे हमको फलाना चाहिए ढिकाना चाहिए, डायरी ले, डायरी पेन लेके आता है, फट से नोट किया, जी सर अभी लाता हूँ, थोड़ी देर में दूसरा आदमी ट्रेन में सामान ले लेगा, खूब सेवा होगी। और जब छठवां दिन आ जाएगा और आप जब बाहर कहीं जा रहे होंगे तो जो काउंटर होता है उस काउंटर में बैठा हुआ आदमी बोलेगा सर कल आपको होटल खाली कर देना है, कल तक की आपकी बुकिंग थी, बुकिंग है कल तक, यानी एक बार टोक दिया, आज तक 5 दिन में एक भी बार उसने नहीं टोका था, अभी तक तो वो सर सर बोल रहा था, और छठवें दिन आज उसने एक बार टोक दिया सर कल तक की बुकिंग है आपको, और बुकिंग भी इतने बजे तक की है, दोपहर 12 बजे के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। छठवां दिन भी पार हो गया, 7वां दिन जैसे ही सुबह टहलते हुए दिखाई दिए, काउंटर में भी नहीं कमरे के बाहर भी दिखोगे ना, तो स्टाफ आकर के बोल देगा सर आपको आज रूम खाली करना है, और 12 बजे तक खाली नहीं करोगे तो 12 बजे 12:30 बजे आपके रूम की बेल बजेगी, चर चर करके गेट खोलो तो बोलेंगे सर आपने रूम अभी तक खाली नहीं किया, अब तो इतने रुपए फाइन लगेगा। और मान लो आपने 7वां दिन बिना फाइन के गुजार दिया तो 8वें दिन और 7वें दिन की रात, जो 8वें दिन लगने वाली रात भर तो आपको सोने ही नहीं देंगे, और जो तो 8वां दिन भी आपने घुसा दिया तो उसके बाद तो आपको सामान वामान उठाने की जरूरत नहीं, आपका सामान स्टाफ ही उठा करके होटल के बाहर रख देगा, बोले भागो यहां। यही व्यवस्था स्वर्ग की है, जब तक आपने पुण्य कर्म इस मृत्यु लोक पे किया है उसका जितना किराया आपने वहां जमा किया है तब तक तो भैया स्वर्ग का आनंद लो, और नहीं तो आपको घुमाया जाएगा, पीछे से 1 लात मारा जाएगा और ऊपर से नीचे यही मृत्यु लोक आ जाएगा। शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननि जठरे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम।
बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और जन्म मृत्यु के बाद आपका बार बार हिसाब किताब होना, और उन हिसाब किताब के बाद स्वर्ग नरक के भोगों को भोगना, और इन भोगों के भोगने के बाद फिर आपको पुनरपि जननी जखरे शयन, फिर आपको गर्भ में आना पड़ेगा, जननी के गर्भ में। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, और इससे यदि बचना है तो एक ही काम करना है, क्या? भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंद भज मोर मते, भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंद भज मोर मते, भज गोविंद, भज गोविंद, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इससे यदि बचना है तो भज गोविंदम, भज गोविंदम, आवाज बढ़ाओ इसकी, घटा दिया आपने, गोविंदम भज मूर मते, मन भगवान का भजन करो, और भगवान के भजन से भगवान का कथा श्रवण से क्या होता है? भागवत में एक जगह गोपियों ने गाया है, गोपी गीत में दसम स्कंद में, तव कथामृतम तत्व जीवनम कवि विरिंडितम कल्प सापहम, श्रवण मंगलम श्री मदाक्ततम भुवि गिणार्तते भूरिदाजन, तव कथामृतम तत्व जीवनम, भगवान की यह कथा जीवन का सार है, तत्व है, यह कथा जीवन को जीने की कला सिखाएगी। सूत जी सनकादिर्षियों को बता रहे हैं कि यह कथा अमृत प्रदान करने वाली है, इसलिए इसको भागवतामृत कहा गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुना करके मुक्त कर दिया। और जैसे ही कहा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, बोले हां, जब यह कथा सुना रहे थे तब देवता आए, देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र ने सुखदेव जी को कहा कि यह कथा आप हमें दे दो। तो सुखदेव जी ने कहा, यह कथा हम राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं, क्यों? क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, और श्राप से मुक्ति का कारण यदि कोई हो सकता है तो वह भागवत की कथा है। देवताओं ने कहा, श्राप मृत्यु का श्राप लगा है, सातवें दिन मर जाएंगे, इसी का तो श्राप है, हम इन्हें अमृत पिला देते हैं, ये मरेंगे ही नहीं, अमर हो जाएंगे। अच्छा, अमर होना अच्छा है क्या?
मरना तो कोई नहीं चाहता है, कोई चाहता है मरना? कोई नहीं। पूज्य गुरुदेव बोलते हैं कि स्वप्न में भी यदि हम मर जाएं, कई बार स्वप्न में कोई ना सभी कोई मरा होगा, कभी ना कभी ऐसा स्वप्न तो आया होगा कि हम मर गए, और स्वप्न में भी हम मर करके दुखी हो जाते हैं। मरना हम नहीं चाहते हैं, सच बोल रहा हूं ना, दूसरे का अनुभव क्यों बताऊं, मैं अपने ही अनुभव बता रहा हूं कि स्वप्न में भी हम मर जाते हैं और मर करके दुखी हो जाते हैं। अच्छा, आज तक तो हम लोगों ने देखा कि मरता कोई है, रोता कोई है। हाँ, मरा हुआ व्यक्ति रोता है क्या? जो मर गया है वो रोता है? राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है, मुर्दा कहां रोता है? लेकिन स्वप्न में यदि कभी आप मर जाओ तो देखना आप ही रोने लगोगे, लेकिन आप तो मर चुके हो, फिर रो कौन रहा है? मृत्यु कौन चाहता है? सबको यही चाहते हैं कि हम अमर हो जाएं, हम मरे नहीं। ऐसे ही एक माता जी थी, बुजुर्ग हो गई थी, बेटों की शादी हो गई, पोतों की भी शादी हो गई, पोतों के लड़के हो गए, माता जी मरे ही नहीं, पति मर गए, बूढ़ी हो गई। अच्छा, बूढ़ों की एक आदत होती है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक सीरियल चलता था स्मृति ईरानी जी, वही चलाती थी ना ये, सास भी कभी बहू थी, स्मृति ईरानी का तो करेक्टर चलता था। तो आप लोगों की सास यदि हो, कई तो यहां सास है ही है, या बूढ़े औरत या बूढ़े बुजुर्गों की कहानी यही होती है, जब आंखों से कम सुनाई दे, कानों से कम दिखाई दे, पैर ज्यादा दूर न चले, तो कोई भी आए तो उसको पकड़ के अपने पास बैठाएंगे, बैठा और फिर दुनिया की बात पूछेंगे, हाँ फलाना कहाँ क्या हुआ, उधर क्या हुआ। अच्छा, पूछेंगे ठीक है, दो चार दिन बाद फिर आप दिख जाओगे तो वही प्रश्न फिर कर देंगे, भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर है। रामायण में तो कहा ही है कि जब कानों के ऊपर बाल सफेद हो जाएं तो समझो बुढ़ापा आ गया, कान कमजोर हो गए, आंख की रोशनी कम हो गई, मुंह के दांत चले गए, पेट के आंत सिकुड़ गए, फिर सब कुछ हजम कहां होगा, घुटने कमजोर हो गए, कमर झुक सी गई है। तो हम लोग लोगों को पकड़ते हैं। तो माता जी जो थी, सबको बुलाए और घर वाले लोग त्रस्त हो गए थे, तंग आ गए थे, कोई ना जाए उनके पास, बहू बेटे नाती पोते छोटे छोटे बच्चे सब तंग आ गए थे, माता जी मरती नहीं थी। और माता जी भी यही बोला करती थी कि अब तो हमको भगवान भी नहीं पूछता है। बेटे को आवाज लगाए, बेटा ना आए तो दुखी होकर के बोले, हे भगवान अब तो हमको बुला लो, अब तो भगवान भी नहीं पूछता। एक दिन बेटे को बुलाया, बेटा नहीं आया, बोला अब तो जीने से कोई मतलब नहीं, अब तो मैं आत्महत्या कर लूं, सो बढ़िया है। बेटे ने ताव में कह भी दिया, जाओ मर जाओ, क्या करना है, जाओ छुट्टी मिलेगी। किसी क्षेत्र की भाषा में, शायद यूपी में किसी गांव में मैंने सुना था, कोई बुजुर्ग के लिए किसी ने एक ये तंच कसा था, बोले इनके जवाने के तो चील गिद्ध भी मर के चले गए, चील गिद्ध की आयु लंबी होती है, तो बोलते इनके जवाने के चील गिद्ध भी मर के चले गए। तो बेटे ने कहा, जाओ मर जाओ, क्या करना है, मरो छुट्टी मिले। माता जी को बुरा लगा, माता जी जोर से चिल्लाया, आज मैं जा रहा हूं, मर जाऊंगी, कुएं में कूद करके प्राण दे दूंगी,
नाती पोता भी थे, बोले दादी तो रोज रोज बोलती है। और जोर से चिल्लाया नाती पोताओं के सामने, अरे मैं आज जा रही हूं मरने के लिए। नातियों ने भी कह दिया, जाओ दादी तुम तो डेली मरा करती हो, जाओ मर जाओ, यही तो बोलती हूँ, मर जाओ जाओ मरो। अच्छा छोटा बेटा इतना नालायक था कि लकड़ी उकड़ी वालों को भी फोन कर दिया, पंडित को भी बोल दिया, बोले आ जाओ भैया आज अंतिम संस्कार ही कर देना है। माता जी गई कुएं के पास तक, चिल्ला रही, आज मैं मरने जा रही हूँ, कुआं में कूदूंगी, आत्महत्या करने जा रही हूँ, देख लो फिर मुझे मत बोलना क्यों मर गई। अब कोई आवाज ही ना दे, माता जी ने कुएं में झांका और फिर वापस आकर के बैठ गई। छोटा बेटा पंडित को लेकर ही आया ही था, बोले मैया अभी तक मरी नहीं। बोले गई तो थी बेटा मरने के लिए, फिर बोले क्या करें, कुएं में बहुत बड़ा सांप था, अब मरने जा रहे हैं कुएं में, कूदोगे तो भी मरोगे। बोले नहीं सांप से डर लगता है, अरे सांप काटे तो मरो, पानी में डूब के मरो, हार्ट फेल से मर जाओ, मृत्यु तो आनी है। और सुखदेव जी कह रहे हैं देवताओं को कि राजा परीक्षित की सातवें दिन मृत्यु होनी है, और मृत्यु से मुक्त यदि होना है तो भागवत की कथा सुना रहा हूं, मृत्यु से मुक्ति के लिए। मृत्यु से मुक्त कौन है सोचने का विषय है। हम आप सब मृत्यु से मुक्त कहां हैं? हम सब तो मृत्यु युक्त हैं। जन्म लेने के साथ जो अटल सत्य हमारे साथ चिपक जाता है, हमारे सीने पर, हमारी छाती पर बैठ जाता है, वह एक ही अटल सत्य है, मृत्यु। मरना है सबको। पितामह भीष्म नहीं मरे, पितामह भीष्म की मृत्यु हो गई, अजर अमर थे। इच्छा मृत्यु का वरदान पितामह भीष्म को प्राप्त, लेकिन वो मरे। भगवान कृष्ण ने अपने विग्रह को समेटा। फिर हम सब तो साधारण मनुष्य हैं, और देवताओं ने कहा कि हम अमृत पिला देंगे, हम तो अमृत देंगे, अमृत पी लेंगे तो मृत्यु से टल जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मरेगा नहीं। और सुखदेव जी ने कहा कि अमृत और भागवत की तुलना तुम अमृत से कर रहे हो, अमृत बेकार है, अमृत भागवत के समक्ष कुछ नहीं है। कम सुधा कम कांचा कम मणि, उन्होंने कहा ये मणि, ये कांच, ये स्वर्ण मुद्राएं, ये अमृत भागवत के सामने सब व्यर्थ है, जाओ यहां से चले जाओ, तुम पात्र नहीं हो भागवत की कथा श्रवण करने के लिए। भेज दिया, वापस भेज दिया। और देवराज इंद्र भगवान ब्रह्मदेव के पास गए, और ब्रह्मदेव के पास आकर के बोल ही रहे थे कि ब्रह्मदेव अतुक्ष ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण सुखदेव ने हमें भागवत की कथा सुनाने से मना कर दिया। और कहते ऐसा कह ही रहे थे कि भगवान के पार्षद सुंदर से विमान पर राजा परीक्षित को सजा करके ले जा रहे हैं, घंटनाद शंखनाद हो रहा है। और जब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये कौन है, ये किनको लेके जा रहे हैं, ये कौन देव हैं जिन्हें भगवान के पार्षद घंटनाद शंखनाद करते हुए भगवान के रथ पर लेके जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा यही तो राजा परीक्षित है। राजा परीक्षित मुक्त हो गया कथा को श्रवण करके, और देवताओं को तब लगा कि कोई शास्त्र है तो वो भागवत के शास्त्र है। और कहते ब्रह्मा जी ने वजन करवाया, भागवत का शास्त्र एक पाले पर रखा गया, अन्य ग्रंथ दूसरे पाले पर रखे गए। तो देवताओं ने देखा कि भागवत का शास्त्र
सबसे भारी पड़ा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूं कि मुक्त होंगे हम, लेकिन श्रवण करना पड़ेगा, श्रवण विधि ठीक हो, सुने हम ठीक से, जीवन पवित्र करें। जीवन जब पवित्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, तो यह कथा जब आपके अंदर विद्यमान हो जाएगी, फिर आप भी मुक्त हो जाओगे। लेकिन समस्या है, हमारा मन नियंत्रित कहाँ है? इतनी देर में ना जाने हमारा मन कितनी बार भटक गया होगा। मन चंचल है ना। अच्छा मैं एक बात बोलता हूं, अभी देखो मन की चंचलता को कैसे मिटाया जाता है। आप लोग अपने अपने घर का ध्यान करो, घर में किचन का ध्यान करो। हाँ, किचन का ध्यान करते आपको वो किचन में गैस सिलेंडर कहां रखा होगा, चूल्हा चौका कैसे होगा याद आ गया होगा, आया कि नहीं? अरे हाँ या ना तो बोलो। अच्छा अब छोड़ो, अपने घर में बाथरूम का ध्यान करो। ध्यान तो गया होगा, गुरुजी बोलते, लेकिन वहां रुका नहीं होगा क्योंकि गंदा स्थान है। अच्छा छोड़ो, अपने अपने माता पिता का ध्यान करो, चेहरे का आया याद, चेहरा याद आ गया? आ गया तो अब छोड़ो ये सब, आप मेरे माता पिता के चेहरे का ध्यान करो। अब ये बताओ कितने लोगों को मेरे माता पिता का चेहरा ध्यान आ गया, हाथ उठाओ। तो मेरे माता पिता आपको मन में दिख गए हो? किसी को नहीं दिखे, आपने उनको देखा ही नहीं है तो दिखेगा कहां? यही समस्या हम लोगों के साथ है कि हमने गोविंद को देखा ही नहीं है तो गोविंद दिखेगा कहां? मन भटकता है, वही भटकता है जिन चीजों को हमने देख रखा है। मन वैसी जगह नहीं जाएगा जिनको आप जानते नहीं हो, जिनको आपने देखा नहीं है, जिनको आपने सुना नहीं है, जिनके विषय में आप परिचित नहीं हो। देखो सीधा सा हमने बात बता, लोग कहते मन भटकता है, मन कहां से भटकता है? मन वही भटकता है जहां आप जिन चीजों से लिप्त हो। और संत निर्लेप हैं। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता।
Let's go.
मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। और हमने भी घड़ी को देखा तो 5:17 हो गए। आज ऐसे कथा विलंब से शुरू हुई और कथा तो शुरू भी नहीं हुई। इधर उधर के प्रसंग में वक्ताओं की यही तो बीमारी है, इधर उधर भटक जाते हैं। मन चंचल है, हम लोगों का भी चंचल है। भगवान की यह कथा मन को नियंत्रित करेगी, ध्यान से कथा को श्रवण किया जाए। और यह बता ही रहे थे सूत जी सौनकादि ऋषियों को कि परीक्षित मुक्त हो गया। और यह श्रवण विधि, सप्ताह श्रवण विधि का क्रम चला। तो कहने लगे सप्ताह श्रवण विधि का क्रम कहां से चला? तो कहते सप्ताह श्रवण विधि का क्रम नारद जी और सनत कुमारों से आरंभ हुआ। सनत कुमारों ने नारद जी को यह साप्ताहिक श्रवण की विधि सुनाई है। सनत कुमारों ने नारद जी को 7 दिन तक कथा सुनाई। तो सौनकादि ऋषियों ने पूछा, नारद जी 7 दिन तक कथा सुने? ये बात तो समझ में नहीं आती। क्यों? बोले जैसे मन चंचल है, कुछ कुछ देर में कहीं कहीं भटक जाता है, ऐसे नारद जी को तो श्राप लगा हुआ है। रामायण में आता है नारद जी के श्राप का प्रसंग। नारद जी को श्राप लगा, मनु ने श्राप दिया कि एक स्थान पर टिक ही नहीं पाओगे, नारद जी रुकेंगे ही नहीं। जितने पुत्र होते नारद जी एक एक को शिष्य बनाते और सबको विरक्त कर देते। नारद जी के पास नारद जी का एक ही काम कि जो भी आए उसको प्रभु भक्त बनाओ। प्रहलाद जी गए, उनको प्रभु भक्त बना दिया। नारद जी सबको प्रभु भक्त, श्री भक्त, हरि भक्त बनाते हैं। और मनु की संतानें हो, नारद जी उनको ऐसा गुरु मंत्र दे वो प्रभु भक्त हो जाए और फिर वापस ही ना आए। तो मनु ने सोचा कि अब ऐसा किया जाए, नारद जी को श्राप दे दिया जाए। नारद जी रुकेंगे ही नहीं एक स्थान पर, तो गुरु मंत्र कहां देंगे? एक बात है, गुरु का प्रभाव बहुत होता है। बिना गुरु के तो सब कुछ व्यर्थ है। हमने बहुत लोगों को देखा, हाँ हमारे बहुत साथी सहपाठी पागल हो गए। क्यों? ध्यान करते करते पागल हो गए। ध्यान करना भी कोई सामान्य विषय नहीं है, ध्यान के लिए भी कोई गुरु चाहिए। ऐसे नहीं तुलसीदास जी ने सबसे पहले लिख दिया, बंदौ गुरु पद पदम पर आगा, सुरत सुवास सरस अनुरागा। हाँ? ऐसे नहीं लिखा। अमिया मुरमय चूरन चारु, समन सकल भव रुचि परिवारु, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरित दिव्य दृष्ट ही होती। ऐसे नहीं लिखा। गुरु की तो आवश्यकता है। और कल गुरु की महात्मा आप सुनोगे नारद जी की कथा में। और कहते हैं कि जैसे ही कहा तो कहने लगे नहीं नहीं। सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाई और कहने लगे नारद जी को कथा सुनने की आवश्यकता ही क्यों हुई, क्योंकि वह तो पहले से प्रभु भक्त है। और प्रभु भक्त को भगवान की कथा सुनने की आवश्यकता, और नारद जी 7 दिन तक एक स्थान पर रुक करके कथा कैसे सुने? वो कथा सुनाए तो कहते नारद जी एक बार देवलोक से मृत्यु लोक पर आए, इस धरा पर आए और धरा पर विचरण करने लग गए। हर एक स्थान पर नारद जी सेतु बंदा रामेश्वरम से होते होते सब क्षेत्र पर घूमे। और कहते हैं नारद जी भ्रमण करने लग गए। नारद जी का मन उदास हो गया,
और कहते जब नारद जी वृंदावन आए तो नारद जी को थोड़ी संतुष्टि हुई। कथा देखो संक्षिप्त में सुनाऊंगा, ये कथा तो आप बहुत बार सुन चुके हो। तो कहने लग गए उदास हो गए, हाँ कहने लग गए वो उदास हो गए, और उदास मन से वो निकल पड़े, नारद जी निकल पड़े। नारद जी के मन में कुछ प्रश्न चला और उन प्रश्नों को खोजने के लिए विचरण करने लगे, जगह जगह घूमने लगे। क्या प्रश्न? तो कहते वृंदावन में उन्होंने देखा एक सुंदर सी स्त्री, वो बैठी हुई है यमुना के तट पर और उसके दोनों जंघाओं पर दो वृद्ध मूर्छित होकर मूर्छित हैं, लेटे हुए हैं, मूर्छावस्था में बेहोश हैं, मृत जैसे हैं, होश नहीं है, देह है, प्राण है, लेकिन पता नहीं है कि प्राण बचे भी हैं कि समाप्त हो गए। जैसे कभी मृत्यु को जो मरने के बहुत नजदीक हो, दो चार मिनट के भीतर जिसको मरना है उसको आप देखो तो कई बार उसके हाथ पैर सुस्त हो जाते, खत्म हो जाते हैं, नहीं काम करते हैं, मृत अवस्था में वो दोनों दोनों जंघाओं पर लेटे हुए हैं। और नारद जी का आगमन उधर से हुआ और वो कहने लग गई, भो भो साधु क्षण तिष्ठत मम चिंता मणि नाशम। रुको साधु, अरे साधु रुको रुको, आपके दर्शन मात्र से, दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन मात्र से मेरे मन की चिंता समाप्त हो रही है, मेरे मन में दुख है। नारद जी का दुख क्या हो गया और कौन है देवी आप, आपको चिंता क्यों, आप तो इतनी सुंदर है, सुशील है, और आप दुखी क्यों हैं, रो क्यों रही हैं, और ये दो ये वृद्ध जो आपके जंघाओं पर लेटे हुए ये कौन हैं, और ये अगल बगल जो देवियां आपकी सेवा कर रही ये कौन हैं? तो कहते मैं हम भक्त ख्याता इमो में तन्मयो मतो, मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति देवी, और ये दोनों जो लेटे हुए ये ज्ञान वैराग्य नामो काल योगे जर्जरो, मैं भक्ति हूं, मेरा नाम भक्ति, और ये दोनों जंघाओं पर ज्ञान वैराग्य नाम के मेरे दोनों पुत्र हैं। ध्यान देकर के कथा सुनना, तेजी से पढ़ूंगा। यमुना के तट पर भक्ति महारानी स्त्री के रूप में, नव युवती स्त्री, नवकन्या, नूतन चंचला, वो भक्ति बैठी हुई है मानो नव विवाहित स्त्री, नूतन स्त्री जैसी, और ज्ञान वैराग्य नाम के वो अपने दो पुत्रों को बता रही है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, और ये मेरे अगल बगल ये देवियां, ये गंगा आदि देवियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, और मैं दुखी इसीलिए हूं नारद जी, हे ऋषिवर, मेरा दुख का कारण एक ही है कि मैं इन ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों की मां हूं। मां तो नवयुवती, नई स्त्री, नई कन्या जैसी दिखाई दे रही है, जवान है, लेकिन ये दोनों पुत्र मेरे वृद्ध हो गए। अब वृद्ध की बात नहीं, ये दोनों पुत्र तो मूर्छित हो गए, मृत अवस्था में, मानो प्राण इनके जाने वाले हैं। ये कैसा प्रभाव है, ये कौन सा प्रभाव है जिससे ये बूढ़े हो गए, मैं जवान हूं, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, दक्षिण प्रदेश पर, मैं दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में पली बड़ी, भक्ति का जन्म दक्षिण प्रदेश पर, दक्षिण भारत पर, आज भी वेदों का पठन पाठन होता है,
दक्षिण के ब्राह्मण पुरोहितों को ज्यादा विद्वान माना जाता है आज के समय में भी। और कहते महाराष्ट्र में मेरा पालन पोषण हुआ, मैं जैसे जैसे गुजरात की तरफ गई, क्षमा करना यदि गुजरात से किन्हीं का संबंध हो या गुजरात प्रांत के कोई हो, भागवत में कहती है भक्ति कि मैं जब गुजरात में गई तो गुजरात में मुझे वृद्धावस्था आ गई। क्यों? क्योंकि गुजरात में गुजराती लोग ज्यादा पैसे वाले होते ना, माल पानी ज्यादा होता है। गुजराती लोग पैसे वाले अधिक होते। मुझे कई लोग कहते बोले महाराज जी गुजरात राजस्थान में ज्यादा कथा किया करो। मैंने क्यों? बोले दक्षिणा मोटी मिलती है। अब नाम नहीं लूंगा, दो चार कथावाचिकाएं, अब अच्छा परिचय है मेरा। मैं टीवी वगैरह में तो कथा नहीं देता हूं, मना करता हूं, चैनल वाले पीछे पड़े हुए हैं, टीवी में चलाओ कथा। हम बोले अभी चलाना वलाना नहीं। तो एक दो हैं उधर ही कथा करते थे राजस्थान, मायरा गाते रहेंगे, नचाते रहेंगे, नाचते रहो। और वास्तविकता यह है, देखो मैं भी संगीत का ले रहा हूं, सहयोग ले रहा हूं। भागवत की कथा श्रवण के लिए है, भागवत की कथा कही जाती है और रामचरितमानस गाई जाती है, अंतर है दोनों में। भागवत गाने के लिए नहीं है, भागवत तो श्लोक है। नृत्य अपवाद नहीं, नाचना चाहिए, लेकिन नाचे तब व्यक्ति जब भगवान की भक्ति में नाचे। अब हमने तो ऐसे बहुत कथावाचकों को देखा, बस भजन शुरू और नाच शुरू, और नहीं नाचे तो नचवाते, चलो जो नाचेगा उसको फिर इस जीवन चक्र में नाचना नहीं होगा। भाग्य फूटे वो कथा करने वालों के भी, खुद तो जीवन चक्र में फंसे हुए हैं, 21-21 लाख 51-51 लाख में कथा करते हैं, खुद तो मुक्त नहीं हुए, दूसरों को क्या मुक्त कराएंगे। और ऐसे लोगों से कथा श्रवण भी नहीं करनी चाहिए। नारद जी से भक्ति कहती है, और नारद जी इसी मन के संदेह को लेकर के कहते, पहले नारद जी ने तो प्रयास किया, नारद जी ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया, वेद मंत्रों का उच्चारण करते ही ज्ञान वैराग्य जो मूर्छित अवस्था में है वो होश में तो आते, और मंत्रों का उच्चारण जैसे ही बंद हो जाता वो फिर से मूर्छा अवस्था में चले जाते, फिर भी होश हो जाते। नारद जी ने बहुत प्रयास किया, कई बार नारद जी ने प्रयास किया कि ज्ञान वैराग्य को होश में लाएं, लेकिन वो बेहोश हो जाते। नारद जी को लगा कि कुछ तो करना होगा। भक्ति महारानी ने कहा हे नारद देवर्षि, आपके दर्शन मात्र से ऐसा लगता है कि आप इसका उपाय बता सकते हैं और आप इस उपाय को कर सकते हैं, इस उपाय का आप करें, आप इसका उपाय बताएं, इसका कारण बताएं। आप तपोनिष्ठ लगते हैं, आप ब्रह्मनिष्ठ लगते हैं। और कहते हैं नारद जी ने आश्वासन दिया कि मैं अति शीघ्र आकर के बताऊंगा, और नारद जी निकल पड़े। नारद जी बहुत ऋषियों के पास जाते हैं, बहुत देवर्षियों के पास, बहुत सन्यासियों के पास, बड़े बड़े आचार्यों के पास नारद जी जाकर के अपने मन की शंका का समाधान खोजते हैं, लेकिन शंका का समाधान कौन देगा? जब देवर्षि नारद के पास शंका का समाधान नहीं है, लोग तो ये सुनकर के आश्चर्य होते कि जब वेद मंत्रों का उच्चारण करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था ठीक तो होती, लेकिन मंत्र के उच्चारण बंद होते ही फिर से वो मूर्छित हो जाते। वेदों से बड़ा क्या है? नारद से विद्वान कौन हो सकता है, कौन बताएगा? कहते ऐसी स्थिति आने लग गई कि ऋषि मुनि कर तो रहे प्रवचन, लेकिन जैसे ही सुनते नारद जी आ गए तो बोलते हमारे गुरुदेव तो मौन में हैं, उत्तर नहीं दे पाते। कई तो भाग जाते, कईयों ने तो जबरदस्ती का मौन व्रत धारण कर लिया, कईयों ने तो ये निश्चय कर लिया कि हमारे गुरुदेव आंख ही नहीं खोलते, आंख बंद कर रखा है, ध्यान में बैठ गए,
कईयों ने तो ये कहा गुरुदेव अब एकांतवास में मिलेंगे ही नहीं किसी से। और कहते नारद जी के मन में एक ही बात आई कि अब तो तप करो, अब निकल पड़ो। कहां? बद्रिक आश्रम, बद्रीनाथ चलो। बद्रीनाथ कथा का आरंभ, बद्रीनाथ वो बद्री विशाल से कथा, भागवत की कथा वहां से निकली। और नारद जी चल पड़े बद्रिक आश्रम की तरफ। और बद्रिक आश्रम की तरफ जैसे ही बढ़े तो चार सूर्य के तेज के समान वह चारों बालक सामने दिखाई दिए। नारद जी को लगा कि एक बार इनसे पूछा जाए, ये कुछ बता सकते हैं, ये 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 ज्ञान दे सकते हैं, ये योग्य हैं, ये जरूर सत्य बताएंगे। और कहते नारद जी प्रणाम करने लग गए। नारद जी पसीने पसीने से लथपथ हैं। और नारद जी को देख करके ऋषियों ने पूछ दिया, कुमारों ने पूछ दिया, देवर्षि इतने दुखी क्यों हो, इतने चिंतित क्यों हो? तो कहते क्या बताएं, मैं मृत्यु लोक से इस धरा से भटकते हुए आ रहा हूं और मैं दुखी हूं। क्यों? कलयुग का प्रभाव व्याप्त हो गया है, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, भाई भाई में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा है, सास बहू में झगड़ा है, अड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है। लोग धन के धन ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हिंसा कर रहे हैं। और तो देखो भागवत में कहा गया है, भागवत भी कह रहा है ये बात कि हिंसा लूट पाट ये कलयुग में हो रहा है। और कहते हैं भगवान का भजन भी अब बिकने लग गया, अब बेचा जाने लग गया। कहां भगवान का भजन हो रहा है? पीछे बच्चों को शांत करा थोड़ा, ये बच्चों को आप लोग मत लेके आया करो। इससे आपका भी ध्यान भटकेगा, हमारा भी भटकेगा। हम तो सोच रहे जल्दी करें। और नारद जी कहने लग गए कि धर्म अभ्रहानी। और कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी कि भक्ति नाम की स्त्री वो तो अभी जवान है, बूढ़ी नहीं है, लेकिन उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। कलयुग का प्रभाव ऐसा कि ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए, मूर्छित हो गए, मृत अवस्था में। भक्ति जाग रही है, सनत कुमारों को यह बात कही तो सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति यदि जाग रही है, भक्ति यदि जवान है, तो इसका एक ही कारण है कि भक्ति वृंदावन पहुंच करके जवान है। वृंदावन में भक्ति जागी हुई है। खैर अब तो वृंदावन में भी भक्ति सो रही है, कुछ कुछ जगह जागती है। आज से 15-17 साल 20 साल पहले जब वृंदावन जाते थे तो वो वास्तव में वृंदावन की गलियां, मथुरा से जैसे ही आप वृंदावन की लिए प्रवेश करो, अब तो सुविधाएं बढ़ गई। जब आज से 15-17 मैं तो 25 सालों से वृंदावन जा रहा, जब जाते थे मथुरा स्टेशन उतर के तो हमने अपने आंखों से संतों को देखा है। स्टेशन में उतरते ही वो वाली भट भट करने वाली ऑटो चलती थी तब, और पीछे लोग लटक जाते थे उसमें, जुगाड़ लटक के जाते थे। और मैंने संतों को देखा है कि वो अटल्ला चुंगी पर उतरते ही वहां बड़े बड़े संत साष्टांग प्रणाम करते थे पहले वृंदावन। मार्ग पर चलो तो वो कटीले झाड़ियां ऐसी लगती थी कि आपको पकड़ने वाली है। वृंदावन की लताएं पताएं हवा वो एक अलग तरीके से चलती थी। अब तो मथुरा से वृंदावन केवल महल ही महल बन गए, आश्रम ही आश्रम बन गए। और आश्रम का भी टारगेट एक ही है, भगत आए पैसा दें और जाएं।
मुझे लोगों ने परेशान कर दिया, बोले महाराज जी आश्रम बनाओ तो वृंदावन में बनाओ, आश्रम बनाओ तो हरिद्वार में बनाओ। मैंने कहा हम कोई आश्रम नहीं बनाएंगे। वहां एक ही देखो सबके लिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, फिर आश्रम चलेगा भी तो दान से ही चलेगा, निसंदेह। अब हम भी भले ही बोल रहे हैं फ्री में कथा कर रहे हैं, फ्री में कथा कर रहे हैं, अब दो पांच दस बीस हजार पचास हजार एक लाख दो लाख रुपए ना मिले तो हम ही कहां से चले, कोई नौकरी है क्या? दान से ही चले। अब दस बीस कथा लो लगातार लोग ऐसे ही करा लें फ्री में कुछ ना दें, तो उसके बाद हम भी बोले भैया ये सब छोड़ो, ऑटो रिक्शा खरीदो वही बढ़िया है, वही काम करो, कथा कुथा से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन शास्त्रों ने कहा ब्रह्म ब्राह्मण का कर्म दक्षिणा निर्धारित ना हो, श्रद्धा समर्पण के आधार पर। और नारद जी कह रहे हैं कि कलयुग में दक्षिणा निर्धारित है, वेद बेचे जा रहे हैं, ग्रंथ बेचे जा रहे हैं। और एक बात जो मैं बहुत कड़े शब्दों में कहता हूं, हिंदू धर्म नष्ट भ्रष्ट होने का एक ही कारण है कि हमने अपने शास्त्रों को सड़क पर बेचना आरंभ कर दिया। और विश्वास नहीं होता है तो आप मुसलमान और ईसाइयों को देख लो, उन्होंने कुरान और बाइबिल को सड़क पर बेचा नहीं अभी तक, और जिस दिन वो बेचना आरंभ कर देंगे उस दिन से उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त होना शुरू। इसीलिए उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। लेकिन फिर भी भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा, क्योंकि आध्यात्म की उत्पत्ति भक्ति की उत्पत्ति भारत से है। और देवर्षि नारद के इन प्रश्नों को सुन करके सनत कुमारों ने कहा कि एक उपाय है, क्या? सप्ताह विधि श्रवण की, भागवत की कथा की। और कहने लगे भागवत की कथा कौन सुनाएगा, कहां सुनी जाए? तो कहते हैं सुनना है आनंदवन चलो, हरिद्वार चलो, गंगा के तट पर वहां कथा श्रवण करो। गंगा जी का जल है, पावन जल है, ध्यान रखना साधकों के लिए नदी का तट उत्तम बताया, नदी का किनारा। इसलिए हमारे बड़े बड़े मंदिर यदि कहीं हैं तो वो नदी तट पर है। भगवान का जन्म स्थान यदि मथुरा में है तो भी यमुना के किनारे ही है, भगवान की लीलाएं यमुना के किनारे हैं। राम जी का महल सरयू के किनारे है, प्रयागराज तो भाई है ही है, हरिद्वार गंगा के किनारे है। नदी का तट शास्त्रों ने कहा नदी का किनारा साधक के लिए उत्तम है। और कहने लग गए हरिद्वार चलो, हरि का द्वार जहां है, हरि का द्वार, वहां से मुक्त होंगे गंगा के किनारे। और नारद जी ने कहा वे व्यवस्था तो बहुत करनी पड़ेगी, भागवत की कथा छोटे मोटे में तो होती नहीं, अब ये भी कथा करने में डेढ़ दो लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा, हो जाएगा। लेकिन सबका सहयोग है, कई सदस्य बने, आप सब भी सहयोग करो। और नारद जी कह रहे हैं हम तो फकीर आदमी, हम कहां से कथा कराएं? अभी ऐसे ही मेरी जन्मभूमि में पितृपक्ष में मैंने कथा करवाई, अब मैंने वहां जन्मभूमि वाले लोगों को बोला कि कथा छोटी मोटी नहीं करेंगे तो 51 पोथी भागवत करेंगे, क्या है एक दो भागवत? तो किसी ने मना तो नहीं किया, लेकिन पीछे से सब यही कहे कि बाबा पगला गया, पैसा कहां से लाएगा? बोले 51 पोथी, इसका मतलब 25-30 लाख रुपए का खर्चा कौन देगा? लोगों के यही कह रहा था एक भी चिंता मत करो, मुझे पूर्ण विश्वास है यदि भक्ति अटल है तो लक्ष्मी कम नहीं पड़ेगी। और हमने किसी के सामने झोली नहीं फैलाई। और चाकुलिया जो मेरा जन्म क्षेत्र है, मनीषी गए थे
वहां एक भी रुपए के लिए मैंने झोली नहीं फैलाई, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और एक भी रुपए वहां घटा नहीं कर, एक भी रुपए समाप्त नहीं हुआ। और वहां तो हम लोगों ने देखा, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मनीष जी भी हैं, वहां लक्ष्मी का प्राकट्य हम लोगों ने स्वयं देखा, हमारे भाइयों ने देखा। मैं जिस विद्यालय में पढ़ा, उस विद्यालय में कि बच्चियां स्वागत करने के लिए आई, अब बताई देता हूं, और स्वागत करने के लिए उन्होंने फूल माला और शॉल इत्यादि लेकर के आए। मनीष जी नहीं है, नहीं तो वो इसके साक्षी प्रमाणी वो बोलते, ऐसे अपने भाई हैं ये थे। और वहां मनीष जी की इच्छा हुई कि महाराज जी ये बच्चियां प्रणाम करने के लिए आ रही हैं, कन्याएं हैं, इनको 10-10 रुपए कम से कम बांट दो। और मेरे पास तो पैसे थे नहीं भाई, यहां कहां पैसे। तो मनीष जी ने गिना, 15 बच्चियां थी, 150 रुपए 10-10 के नए नोट निकाल करके पकड़ा दिया। मुझे नहीं पता किससे उन्होंने लिया, क्या किया। और सत्य बात देखो, ब्यास पीठ में बैठा हूं, ये भाई लोग भी हैं, मनीष जी को तो आप लोग जानते भी हो। उन्होंने पकड़ाए और हमने ये पोथी के ऊपर पैसों को रखा, यही पोथी, और एक एक नोट हम पकड़ाते गए बच्चों को। और फिर मैंने देखा कि 3 बच्चे और हैं, बच्चियों को दे दिया, 3 बच्चे भी थे। अब बच्चियों को 2 बच्चों को ना दो तो वो भी ठीक नहीं। तो हमने इशारा किया, भाई पैसे कम हो गए, चूंकि उन्होंने कहा था 150 रुपए दे रहे, 15 है, और जब 1-2 बचे तो मैंने इशारा किया जल्दी दो। वो भी बगल में थे, सीढ़ी इधर से थी, ये साज गाज वाले उस समय इधर दाएं तरफ बैठे हुए थे, और वो रिकॉर्ड है, ये जो ऑर्गन बजा रहा है इसने कितने रुपए दिए थे तुमने, 80 रुपए दिया था इसने, अभी भी याद है। और एक और था, वो अभी नहीं है, उसने 70 रुपए दिए, तो 80-70 कितने हो गए, 150। अच्छा, इन लोगों ने गिन के दिया, फिर मनीष जी ने उल्टा गिना, और उल्टा गिन करके फिर वो पकड़ा दिए। हमने गिना नहीं, हम कहां हुआ बैठ के नोट गिनेंगे। और फिर हमने उन 3 बच्चों को पैसा बांट दिया, बचे हुए पैसे उठा करके मनीष जी को वापस दे दिया। मनीष जी ने अब 150 रुपए जो आया, 150 में 30 रुपए हमने बांट दिए, तो कितने बच गए, 120। तो मनीष जी ने इनको कितने रुपए वापस कर दिए थे, 80 रुपए वापस कर दिए तुरंत, जो 10-10 के नोट थे उससे 80 रुपए वापस किए। और जो इनका इनके साथ ही जो एक था जिससे 70 लिए, उसी 10-10 के नोट से 70 रुपए भी वापस कर दिए, और उसके बाद 50 रुपए और बच गए। ये तीसरे दिन की कथा में हमने यह चमत्कार देखा। और हमारे जितने भी वहां लोग, वहां जो कमेटी के सदस्य बनाए थे, वो तीसरे दिन आए, बोले महाराज जी पैसा शॉर्ट है, कार्यक्रम फ्लॉप है। हमने कहा अब एक बार लिख करके देख लो, कार्यक्रम फ्लॉप नहीं, कार्यक्रम एकदम लल्लन टॉप है। और सत्य बात बता रहा हूं, 1 रुपए कहीं मांगा नहीं गया, 5 लाख रुपए की बढ़ोतरी में वह भागवत की कथा संपन्न हुई। 35 लाख की कथा, 40 लाख रुपए दान आए, छोटे से गांव में वह कथा। श्रद्धा भक्ति, और भगवान ने कहा भक्ति का प्राकट्य श्रद्धा से है। कलयुग में भक्ति यदि जीवित है तो श्रद्धा से है। सनत कुमारों ने कहा कि चिंता मत करो, गंगा के तट पर बैठो, गंगा का जल है, आनंद वन है, वहां भागवत की कथा श्रवण करो। नारद जी स्नान किए, सनत कुमार
कथा श्रवण कराने के लिए बैठे, देवता प्रकट हो गए कथा श्रवण के लिए, क्योंकि कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऋषि महर्षि बड़े बड़े योगी यति सन्यासी, मानो कुंभ का मेला लग गया हो, हरिद्वार के उस तट पर। एक बात ध्यान रखना, वृंदावन से हरिद्वार और हरिद्वार से बद्रीनाथ जितनी दूर है, ये बीच का है हरिद्वार। वृंदावन से बद्रीनाथ जाओगे तो बीच का जो स्टॉप है हरिद्वार से कितना है, 200 कुछ, और हरिद्वार से वृंदावन भी 200 कुछ किलोमीटर है, मैं भूल रहा हूं स्मरण। तो ये बीच का स्टॉपेज है। मानो सनत कुमारों ने कहा यदि भक्ति की प्राप्ति करना है तो एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम भगवान बढ़ाएंगे, और हरिद्वार जैसी गंगा के तट पर भक्ति की प्राकट्य होगा, भक्ति आपके हृदय में विद्यमान हो। सनत कुमार चाहते तो वृंदावन में कथा सुनाते, क्योंकि बीमारी तो वही थी। देवता बैठे, कथा श्रवण हुई, कथा आरंभ हुई, नारद जी कथा श्रवण करने लग गए, नारद जी परीक्षित बने, और जैसे ही कथा शुरू हुई, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को लेकर के भागवत के मध्य से प्रकट हो गए। ये भागवत की महत्ता, मूर्छित अवस्था में पड़े ज्ञान वैराग्य भी प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान तो है लेकिन अवस्थित नहीं है, भक्ति की महानता। सनत कुमार सोनकाधीश सूत जी से यह कथाएं श्रवण कर रहे हैं, और एक छोटी सी कथा और आती है महात्मा की कथाओं में। वो कहने लग गए ये कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य को तो बढ़ाने वाली है, लेकिन आपने कहा काल ब्याल मुखक ग्रास, ये काल से मुक्ति दिलाने वाली है। काल से भी मुक्ति दिला सकती भागवत की कथा? कहते हाँ। तो कहते परीक्षित के अलावा कोई और उदाहरण? तो कहते बहुत उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कहते मैं आपको उदाहरण देता हूं, तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में है। कहते तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। आत्मदेव की पत्नी धुंधली, आत्मदेव विद्वान थे, ब्राह्मण थे, भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन एक कमी थी, संतान नहीं थी। समाज में लोग यही कहते थे कि देखो ब्राह्मण तो है, पूजा तो करता है, लेकिन संतान नहीं है, लोग तंच कसते। जमाने का काम ही है बोलना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, हमारे ऊपर बोल देते हैं लोग, दूसरों की बात छोड़ो, लोगों का काम ही है कहना। तो एक आता है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो जमाना कहने के लिए है, और कहने का काम जमाने का है। आप यदि लेना छोड़ दो तो फिर वहीं जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग ले लेते हैं, आप लेना छोड़ दो। आत्मदेव को लोग कहने लग गए, पुत्र नहीं, संतान नहीं, पुत्र क्यों? बोलते मृत्यु के बाद देह कौन जलाएगा, मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन कौन करेगा, मृत्यु के बाद कथा कौन कराएगा, मृत्यु के बाद श्राद्ध कौन कराएगा, मृत्यु के बाद गया में तर्पण कौन करेगा, और एक बात, मृत्यु के बाद आपके वंश को कौन चलाएगा? या तो सन्यासी हो जाओ, सब तर्पण अर्पण करके बैठो। सन्यासी सब तर्पण कर लेते हैं, इसलिए उनके देह को जलाया नहीं जाता है।
उन्होंने अपना पिंडदान श्राद्ध सब भंडारा भोज भात सब करवा देते हैं। जाओ छुट्टी करो, सब संस्कार करके बैठते हैं बेचारे। हाँ, 16 संस्कार हो जाते हैं, बस वो बात अलग है कि शादी नहीं करते हैं। सब संस्कार कर, लेकिन गृहस्थ हैं तो लोगों के मन में देखो एक बात है, संतान है बहुत अच्छी बात है, लेकिन संतान नहीं है तो मुझे लगता है वो उससे अच्छी बात है। क्योंकि यदि संतान है और वह संतान यदि संस्कारवान नहीं है तो आपको जीवन भर कष्ट है। गुरु है, गुरु को चेला नहीं है तो ठीक है जीवन कट जाएगा, लेकिन गुरुओं के पास चरित्रहीन दुर्व्यसन दुर्व्यवहार युक्त यदि चेला आ जाए तो गुरुओं की जिंदगी भी फंस जाती है। हमने देखा है आश्रमों की बंटवारे पर गोलियां चल जाती हैं, लोग लड़ मरते हैं। मेरे से गुरु जी ने कहा कि हंसानंद आश्रम आश्रम चाहिए क्या? हम बोले नहीं गुरु जी, आश्रम आश्रम के झमेले में हमको नहीं पड़ेगा और ना हम आपके आश्रम में रहेंगे, हम तो आते जाते रहेंगे, यहां आना ना जाना मगन रहना, श्री सतगुरु के द्वारे मगन रहना, ऐसे एक भजन गाया करते हैं। हाँ, कुछ लेना ना देना मगन रहना, श्री सतगुरु के द्वारे मगन रहना, मगन रहो। लेकिन दुनिया कहती है और आत्मदेव को लोग कहने लगे, रात्रि में आत्मदेव के मन में क्षोभ हुआ, दुख हुआ और दुख में सोचने लग गए कि अब तो देह को छोड़ दिया जाए, अंत कर दिया जाए, अब प्राणों को त्याग दिया जाए, मृत्यु की तरफ बढ़ चले। क्या किया? पत्नी को छोड़ दिया, रात्रि में सोते हुए पत्नी को छोड़ करके निकल पड़े घर से। अब तुंग भद्रा नदी के तट पर आकर के बैठ गए, रोने लगे। गए तो थे आत्महत्या करने के लिए, लेकिन अभी किया नहीं है। आत्महत्या करना भी कोई सामान्य काम, मरना कौन चाहता है? कोई नहीं, हम भी नहीं। नहीं तो बीमार होते डॉक्टर की दवाई क्यों खाते हैं? कोई मरना नहीं चाहता, सब यही चाहते हैं, हम स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर पल एक एक निमिष मात्र आप विनाश की तरफ बढ़ रहे हो। आपका विनाश है, हमारा विनाश है। यह देह विनाश की तरफ जा रहा है, ह्रास की तरफ जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ये बचपन, ये यौवन अवस्था, ये जवानी, धीरे धीरे बुढ़ापा, पता नहीं चलता है। एक एक बाल कब सफेद हो गए, अचानक से दर्पण आईने के सामने, दर्पण शीशे के सामने हम देखते हैं, अरे आज तो एक बाल सफेद हो गया, और धीरे से उखाड़, हमने बाल उखाड़ा है, सबका अनुभव है। और दो चार 10 दिन 15 दिन के बाद दिखता है, अरे नहीं और एक है, और फिर हमने उखाड़ा है उसको, और धीरे 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 और कई बाल, और जब लगता है उखाड़ नहीं सकते, सारे ही उखड़ जाएंगे, तो हम फिर डाई कर देते हैं, रंग करो, रंग दो बालों को। कितना भी रंगो, बाल भले ही काले हो जाएं, लेकिन चेहरे की झुर्रियां बुढ़ापे को बता देती हैं, आंख की नेत्र की ज्योतियां बुढ़ापे को दर्शा देती हैं, पैर के घुटने बता देते हैं बुढ़ापा आ गया है, जवान लड़खड़ाने लग जाती है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, और फिर मानना पड़ता है कि हम बूढ़े हो। कोई ब्यूटी पार्लर काम नहीं आएगा, सब पार्लर फेल है। कोई फेयर एंड लवली नहीं, एक ही लवली काम आएगा, भगवान का भजन, सब फेल। और रोने लग गए, रुदन करने लग गए, और कहते वहां से संत का आगमन हुआ, रोते हुए देखा, संत हृदय नवनीत समाना, संत रुदन करते हुए आत्मदेव को देख करके पास आ गए, आत्मदेव को कहने लग गए क्यों रुदन कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा रुदन
रोजाना इसलिए कर रहा हूं, क्या बताऊं, संतान नहीं है, जीवन कैसे कटेगा, इतना बड़ा जीवन, संतान नहीं है, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा, मृत्यु के बाद के कर्म कौन करेगा, हमारी इस वंश परंपरा को कौन आगे बढ़ाएगा। तिरस्कार है चारों तरफ, इस तिरस्कार को सहन करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मैं तो प्राणांत करूंगा, मैं देहांत करूंगा, अपने इस देह को त्यागूंगा, इस तुंगभद्रा नदी पर मैं अपने जीवन अपने प्राण को नष्ट करने आया हूं, समाप्त करने आया हूं। और कहते संत ने रोका है आत्मदेव को, ना भगवान ने देह दिया है, यह आपके कर्मों का फल है, स्वीकार करो। वो कहते नहीं मानते, तो कहने लगे आशीर्वाद दो, आपके आशीर्वाद से तो कुछ भी फलीभूत हो सकता है। संत ने कहा मेरे आशीर्वाद तुम्हें आत्मदेव, इस जन्म में क्या 7 जन्मों तक तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं है। आत्मदेव को थोड़ा दुख तो हुआ, एक जन्म नहीं 7 जन्म, 7 बार मरूंगा तब संतान होगी, और दूसरे ही पल उनको आनंद हुआ जो एक जन्म नहीं 7 जन्मों तक को देख सकता है, उसके आशीर्वाद में अवश्य सामर्थ्य है कि वो इसी जन्म में संतान दे सकता है। और चरणों पर गिर पड़े, प्रणाम करने लग गए और कहने लग गए मैं आपके चरण तभी छोड़ूंगा जब आप आशीर्वाद दोगे संतान प्राप्ति की। आत्मदेव के बातों को सुन करके संत ने मना किया कि संतान तुम्हारा फलीभूत नहीं होगा, वह संतान तेरे लिए हानिकारक होगा, काल चक्र का विखंडन मत करो, खंडन मत करो। कहने लगे संत का आशीर्वाद विफल नहीं होगा, संतों के आशीष से पाया गया संतान भी उत्तम होगा। मैं जब अपनी माँ के गर्भ में था तो मेरी माँ भागवत की कथा श्रवण कर रही थी, स्वामी भागवतानंद जी महाराज जी, अब तो शायद उनका देह पूरा हो गया, सुखताल में उनका आश्रम है, बड़े से हनुमान जी की मूर्ति को सुखताल गया होगा। भागवतानंद जी बहुत विद्वान थे, आंख थोड़ी सी, एक आंख उनकी, अब मैंने देख दर्शन किया बहुत छोटे अवस्था में, तो थोड़ी शायद टेढ़ी थी, तो कहने लगे संत के आशीष से संतान पवित्र होगा, और संत के झोले से एक फल निकला, संत ने वह फल आत्मदेव को दिया और कहने लग गए जाओ अपनी पत्नी को दे देना, व्रत नियम करने के लिए कहना। एक बात ध्यान रखना, माताएं जब गर्भावस्था में हो तो उस समय माताओं का तो दायित्व है कि वह इधर उधर की हिंसाओं में, इधर उधर की झंझटों में, इधर उधर के गलत कर्मों में ना फंसे, दूसरा उनके परिवार वालों का इसमें सहयोग करना अति आवश्यक है। आपकी संतान यदि प्रतिभ्रष्ट है, गलत हो रही है, तो इसका एक पहला कारण आप हो, आपका घर का माहौल है कि गर्भावस्था में आपके घर में समस्याएं थी, आपका व्यवहार गलत था। और कहते हैं वह फल लेकर के चल पड़े, आनंदित हो गए, धुंधली को फल दिया और कहने लग गई ये खाओ, व्रत करो, 9 मास बाद संतान होगी, संत का आशीर्वाद है। चले गए आनंदित हो करके, धुंधली के मन में वियोग हुआ, संत का आशीर्वाद कहीं फलीभूत हो गया तो, और फल से संतान संदेह भी है, और दूसरी तरफ सोचने लग गई प्रसव की पीड़ा को कौन सहेगा, 9 मास तक गर्भ में संतान को कौन धारण करेगा, नित्य प्रत्येक सप्ताह देह के परिवर्तन को कौन ग्रहण करेगा, कौन समाज में कैसे बाहर जाऊंगी, मैं बाजार कैसे जाऊंगी, मैं अन्य कर्म कैसे करूंगी, दुखी है। कहते उसकी बहन आई, बहन को यह सारा वृत्तांत बताया, बहन के गर्भ में 3 मास का बालक पल रहा था, बहन से संधि हो गई, क्या कि यह संतान मैं तुम्हें दे दूंगी, यह फल फेंक दो और यह संतान मैं तुम्हें दे दूंगी, समाज में यही कह दिया जाएगा कि यह संतान तो धुंधली की है और मेरी संतान मारी गई, मर गई, गर्भ में नष्ट हो गई, जन्म लेते ही मेरी संतान मर गई। कहने लगे तुम्हारे पति इस बात को मानेंगे, तो
तो कहते पतिदेव को कुछ धन दे देना, वो तो लोभी है। बात सेट हो गया, फल फेंक दिया, गाय ने उस फल को खाया। और कहते हैं समय बीता, बहन के यहां पुत्र हुआ। धीरे से वह पुत्र धुंधली के पास आया। समाज में यही हल्ला हुआ, धुंधली की संतान हुई है, बहन की संतान मर गई, नष्ट हो गई, जन्म लेते ही वह मर गई। और कहते हैं आत्मदेव प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, संस्कार होने लग गए घर पर। और कहते धुंधली ने कहा संतान मैंने जन्म दिया है, नाम मैं रखूंगी। क्या? धुंधकारी रख दिया नाम। और समय व्यतीत हुआ, गाय के भी गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। गाय जैसे कान, एक घर में दो दो संतान। जो गाय आज तक अपने आज तक जिसने बछलाना दिया हो वो आज पुत्र दे रही है। धन्यवाद देने लग गए संत को। संत का फल तो गाय ने खाया था, गौ ग्रास बन गया था संत का फल। और कहते हैं गाय के कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण रख दिया। उत्सव हुआ, गोकर्ण जी को तो संतों ने अपने पास ले लिया। कहने लग गए ये आपके उपयोगी नहीं है, ये हमारे लिए। ले गए संत उन्हें लेकर के चले गए गोकर्ण जी को। गुरुकुल में अध्ययन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, भजन हो रहा है, पाठ हो रहा है। गोकर्ण जी का जीवन सुंदर हो गया, संत जैसा हो गया। गोकर्ण जी स्वयं संत हो गए। और इधर धुंधकारी तद्भ्रष्ट हो गया, नष्ट हो गया। धुंधकारी का आचरण चरित्र समाप्त हो गया, चरित्रहीन हो गया धुंधकारी। स्त्रियों का संग करने लग गया, वैश्याओं के पीछे भागने लग गया, वैश्यावृत्ति करने लग गया। कहते एक बार वैश्याओं के पास जाने के लिए तो धन चाहिए, कहां से धन मिलेगा, कार्य तो कुछ करता नहीं है, लूटपाट करता है। मां से मांगा, मां भोजन पका रही थी और मां ने मना कर दिया, अब तो धन नहीं है, अब ऐश्वर्य नहीं है, अब संपदा नहीं है। तो कहते क्रोध में आ गया, वो जलती हुई लकड़ी से मां को मारने लगा। मां त्रस्त हो गई, आत्महत्या कर ली मां ने, कुएं पर जाकर के उन्होंने प्राण को त्याग दिया। मां चल बसी, पिता भी निकल पड़े। गोकर्ण जी की अनुमति प्राप्त करके पिता भी वन की तरफ चले गए साधना भजन करने को लेकर। धुंधकारी अकेला हो गया, जो मन में आए वो करे, घूमने लग गया। कई वैश्याओं को उसने घर पर पालना आरंभ किया, वैश्याओं ने संपत्ति मांगी। तो कहते एक बार राजकोष पर ही उसने लूट का आक्रमण किया, लुटेरा बन गया धुंधकारी, राजकोष को लूट लिया और अपार संपदा लेकर के वैश्याओं को दे दिया। वैश्याओं ने पूछा ये धन कहां से? कहते ये धन आज मैंने राजकोष को लूटा है। वैश्याओं को लगा ये छोटी मोटी चोरी करता है, कभी मार खाता है, कभी ये बंदी बनाया जाता है, आज तो राजकोष लूटा है, जरूर राजा के सैनिक, राजा के मंत्री, राजा के सेनापति से खोजने आएंगे। ये तो मारा जाएगा, ये तो बंदी बनाया जाएगा, ये तो दंडित होगा। और इसने कह दिया कि वैश्याओं ने मांगा है तो कहीं ना कहीं हम भी मारे जाएंगे, एक ही उपाय है, ये धन लो, भागो और इसे भी मार दो, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। सो गया धुंधकारी। वो कहते हैं रात्रि में उसे बांधा है, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुख पर उन लोगों ने घुसाया, वैश्याओं ने ठूसा मुख पर, जलते हुए अंगारे, प्राण निकलने लग गए, छटपटाने लग गया। और फिर जो थोड़े बहुत प्राण बचे कहते हैं वहीं उन्होंने गड्ढा खोदा और उसे जीवित गाड़ दिया, प्रेत बन गया धुंधकारी। वैश्याएं धन संपत्ति लेकर के भाग गईं। गोकर्ण जी को पता चला
कि धुंधकारी मर चुका है, तर्पण किया, श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया और गोकर्ण जी वापस आए गांव पर। कहते उस घर पर आए जहां धुंधकारी रहता था, जहां उनके माता पिता रहते थे। रात्रि का समय हुआ, संध्या आदि करके गोकर्ण जी लेटे बिस्तर पर और कहते रात्रि के समय वो धुंधकारी, वो प्रेत योनि में जो चला गया, वो गोकर्ण जी को भयभीत करने लग गया, डराने लग गया। कभी कभी वो आग का रूप धारण करता, कभी वायु का भेष धारण करता, कभी वो प्रेत बन जाता, कभी वो अलग अलग प्रकार के जानवर बन करके गोकर्ण जी को डराने लग गया। और गोकर्ण जी को लगा ये बार बार कौन आता है, कौन भयभीत करता है। और गोकर्ण जी ने अपने जल पात्र कमंडल से जल लिया और उसके ऊपर फेंका है। पूछ दिया गोकर्ण जी ने, कौन हो तुम? रुदन करने लग गया धंधकारी, कहने लग गया, मैं आपका बड़ा भाई, मैं आपका भाई हूं। सारा कर्म उसने बता दिया, रोने लग गया और गोकर्ण जी को कहने लग गया, गोकर्ण जी आप मुझे मुक्त करो, मैं प्रेत बन गया, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। प्रेत योनि में गया हुआ व्यक्ति, वो जीवात्मा तो प्रेत योनि में भटक रहा है, उसे ना तो जल मिलेगा ना अन्न मिलेगा, क्षुधा तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, भूख तो लगेगी, लेकिन पाएगा कहां? भटक रहा है। और गोकर्ण जी ने कहा, कल प्रातः होते ही मैं इसका समाधान खोजूंगा। सुबह हुई, गोकर्ण जी ने मंत्र शक्ति से सूर्य के गति को रोका है, सूर्य के रथों को रोक दिया, भगवान सूर्य की गति रुक गई। भगवान सूर्य नारायण से उन्होंने पूछ दिया उपाय, क्या उपाय हो सकता है मोक्ष का, मुक्त होने का, जो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाए। और सूर्य नारायण ने कहा है, एक ही व्यवस्था, भागवत की व्यवस्था करो, भागवत की कथा सुनाओ। भागवत की कथा की व्यवस्था बनाई गई, कथा आरंभ हुई। सात गांठ का एक बांस था, वो धुंधकारी उसी बांस के भीतर आकर के बैठ गया। कहते प्रथम दिन की कथा हुई, पहली बांस की गांठ फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, चौथे दिन की कथा में चौथी, पांचवें दिन की कथा में पांचवी, छठवें दिन की कथा में छठवी और सातवें दिन की कथा जैसे ही विश्राम हुई, भागवत भगवान का जयकारा जैसे ही लगा, वो बांस फटा और वहां से दैत्य नहीं, वहां से प्रेत नहीं, वहां से तो देव स्वरूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। आकाश मार्ग से भगवान के पार्षद रथ लेकर के ढोल नगाड़े हरि कीर्तन करते हुए धुंधकारी के पास आए हैं, हाथ बढ़ाया है और धुंधकारी को रथ पर चढ़ा लिया। गोकर्ण जी हाथ जोड़ करके पूछ बैठे, कौन है देव और इन्हें कहां ले जा रहे हैं? ये रथ किसका है? आप किसके पार्षद हैं? ये हमारी कथा से कैसे प्रकट हुआ? तो कहते धुंधकारी कहने लग गया, मैं वही धुंधकारी, वही पापात्मा हूँ, वही भोगात्मा हूँ और साप्ताहिक कथा श्रवण से मैं पुण्यात्मा हो गया, मैं मुक्तात्मा हो गया, मैं शुद्धात्मा हो गया, मैं मुक्त हो गया और ये भगवान के पार्षद मुझे ले जा रहे हैं, भगवान के दूत हैं, भगवान के धाम गोलोक धाम की तरफ मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। और गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो सबने सुनी, कथा तो सारे गांव वासियों ने सुनी, सारे गांव के लोगों ने सुना, लेकिन मुक्त तो केवल आप ही हुए। भगवान के पार्षद ने कहा कि सबों ने केवल सुना है, इसका मनन नहीं किया, इसका निधिध्यासन नहीं किया। योग में आता है ना मनन निधिध्यासन, योग सूत्र में कहा गया मनन हो निधिध्यासन हो, कहा कि इन्होंने केवल सुना है। श्रवण मनन निधिध्यासन तीन अवस्थाएं हैं, पहले सुनो मनन करो फिर उसको अपने जीवन में उतारो। कहते इन्होंने सात दिन में इसको उतारा है इसलिए मुक्त हो गए। फिर से
से कथा करो, ये कथा का मनन श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो ये भी मुक्त होंगे। गोकर्ण जी ने फिर कथा आरंभ की। सातवें दिन जितने श्रोता थे वो सारे देव बन गए। उन सारे देवों के लिए एक एक रथ आया और वो सारे मुक्तात्मा हो गए। ये भागवत की कृपा है, ये भागवत की कृपा, ये भागवत की विशेषता, ये श्रवण साप्ताहिक श्रवण की विधि। आज की कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। ये महात्मा की कथा है, कल से विधिवत कथा हम आरंभ करेंगे। कथा का समय 2:30 से 5:30 ठीक है? माताओं से पूछ रहा हूं जो आज आ गए, 2:30 से 5:30 जिसको ठीक लग रहा है वो हाथ उठाओ, हाथ नीचे। ठीक तो लग रहा है लेकिन महाराज जी हम 4:30 बजे आएंगे। ढाई से 5:30 ठीक लग रहा है का मतलब 2:30 बजे आपको आना है। कल 2:30 बजे हम लोग आरती करेंगे कथा की और 5:30 बजे है ना कथा। आज चूंकि विलंब से आरंभ हुई इसलिए हमने विलंब से थोड़ा सा विलंब हुआ। और देखो कथा आपने बहुत सुनी, बहुत भागवत सुनी। एक बार तो मैंने भी, पिछली बार मैंने भी की है और इस बार भी मैं कर रहा हूं, लेकिन इस बार की प्राथमिकता कथा की रखेंगे कि भगवान का भजन कैसे सुव्यवस्थित हो। बाकी उत्सव जब आएगा तो नृत्य भी करेंगे, नाचने से मना नहीं है, जिनकी इच्छा हो जबरदस्ती नहीं। हा? तालियां भी हम बजाने के लिए नहीं बोलेंगे कि हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, आराम आराम से, लेकिन ध्यान श्रवण में हो। गुरुओं के माध्यम से मैंने जितना सीखा सुना वैसे ही कथा मैं श्रवण कराऊंगा। आगे की फिर कथाएं जो महात्मा की हैं वो श्रवण विधियां हैं, किन किन कालों पर कैसे श्रवण किया जाए, श्रोता कैसे श्रवण करे, किन किन व्रतों से कथा श्रवण किया जाए, श्रवण के बाद दान दिया जाए, गोदान हो, ब्राह्मणों को दान हो, कम से कम 5 ब्राह्मणों को गायों को दान किया जाए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, इस तरह से कथाओं में बहुत तरह की विधियां। ये भी लिखा गया 3 तोले के सोने में भागवत की पोथी व्यास को भेंट दी जाए। हाँ, और सन्यासियों को सोना पहनना मना है इसलिए कोई भी सोना भेंट ना करे। हाँ, यतियों को सोना पहनना मना, गुरु जी कहते हैं यति सोना ना पहने। तो हमको कोई सोना साना तो कोई भेंट नहीं करेगा लेकिन हम बोल देते। एक जगह कथा में सोने की चेन भेंट कर दी और बाद में उसका मूल्य पता किया तो 84,000 की निकली। हमने कहा अब इसका क्या करें, कहीं सामूहिक विवाह कराएंगे किसी को तो किसी बिस्तरी को बांध देंगे। तो आप लोग गरीब बच्चों को पढ़ाएं, उनको शिक्षित करें, संस्कारवान करें, इन कामों में कराएं। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं एक भजन के साथ, फिर आरती। भजिंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर भज गो